दोस्तों, स्वागत है आपका मेरना नवी में। मैं हूं आपका होस्ट नवदीप। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बिना टेम्पलेट के, मतलब पुराने पाइप को यूज़ किए बिना, उसको फिक्स किए बिना, हम लोग नया पाइप कैसे बना सकते हैं और फ्लैंजेस को सीधी पोजीशन में कैसे रखना है, एक लाइन में कैसे रखना है, और इसके जो है कि मतलब बेसिक थंब रूल्स क्या होते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो टेम्पलेट के साथ पाइप कैसे बनाते हैं, उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, पाइप बनाने का तरीका। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिना टेम्पलेट के पाइप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि फ्लैंज जो है कि स्टैंडर्ड, वो 90 डिग्री एंगल पे लगाई जाती है हमेशा, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं ये 8 बोल्ट की फ्लैंज है, तो दो बोल्ट जो है कि वो नीचे हैं, दो साइड में हैं, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यही केस जो है कि वो 4 बोल्ट की फ्लैंज में भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो बोल्ट जो है वो सीधी लाइन में है दोनों, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब बीचों बीच जा रहा होगा, तो कोई इमेच्योर आदमी होगा या किसी ने गलत बनाया तो बात अलग है। अदरवाइज आपको कोई भी पाइप या फ्लैंज जो है वो इसी तरीके से मिलेगा, वो किसी पोजीशन में भी होने दो, वर्टिकल पोजीशन में होने दो या हॉरिजेंटल पोजीशन में होने दो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 90 का एंगल बन रहा है अगर आप 3 बोल्ट को पकड़ लें तो। तो दोस्तों ये हमारा पाइप है, ठीक है ना। तो इसके दोनों एंड पे जो है कि हमको फ्लैंजेस फिक्स करनी है। फ्लैंजेस हमको सीधी फिक्स करनी है, जिनके होल भी लाइन में आएंगे, और फ्लैंज जो है कि टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं हमको रखनी है, ताकि जब हम जगह में लेके जाके लगाएंगे पाइप को तो सीधे सीधे फिक्स होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली मेजरिंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट टूल है, सॉरी मेजरमेंट टेप है, और इसके अलावा हम जो है कि ट्राई स्केयर इस काम में यूज़ करेंगे। तो आप मेजरिंग टेप की जगह पे स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, तो ट्राई स्केयर तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि पाइप को जो है कि मैक्सिमम हम लोग लेवल पे कर लें। इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना लेवल पे रहेगा वो अच्छी बात है, तो थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो पाइप लगभग हमारा लेवल पे है। अभी फ्लैंज जो है कि यहाँ पे 16 mm थिकनेस है। तो फ्लैंज लगाने का पहला रूल तो ये होता है कि फ्लैंज जो है कि वो लगभग आधी पाइप के ऊपर होनी चाहिए, चढ़ी होनी चाहिए, और आधी उसको जो है कि बाहर होनी चाहिए। तो इसके रीज़न दो हैं कि एक तो आपको बाहर की साइड से वेल्डिंग करने को जगह मिल जाएगी, और आपको जो है कि स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। तो मैंने यहाँ पे एक टाका मार लिया है। फिलहाल हमारा जो होल की पोजीशन है वो इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एंड पहला फ्लैंज हम लोग फिक्स कर रहे हैं, तो आप मतलब किसी भी पोजीशन में इसको फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि फ्लैंज जो है कि वो पाइप के साथ 90 डिग्री एंगल पे सीधी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्राई स्केयर यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ट्राई स्केयर से फ्लैंज को मैंने सीधा कर लिया है, और मैंने जो है कि दो टैक मार दिए हैं ऊपर और नीचे ऑपोजिट में। तो हमको फ्लैंज जो है कि वो 4 पॉइंट पे फिक्स करनी होती है इनिशियली, ठीक है ना, ऊपर नीचे और साइड्स। तो ऊपर नीचे एक सीधा हो गया, तो अभी मैंने जो है कि साइड से हम लोग इसको सीधा कर रहे हैं, और ये फाइनलाइज हो जाता है तो इसको हम लोग टैक मार लेते हैं। तो टैक मारने के बाद हम दूसरा एक एडिशनल चेक ये कर सकते हैं कि ट्राई स्केयर को आप फ्लैंज के साथ अगर रखेंगे, बेस पे रख के अगर आप उसको 2 पॉइंट पे मेजर करेंगे, अगर फ्लैंज टेढ़ी है तो आपको उसमें डिफरेंस नज़र आएगा। तो यहाँ पे मेरे को मेज़रमेंट जो है कि सेम मिल रही है, इसकी मतलब हमारी जो फ्लैंज है वो एकदम सीधी फिक्स हुई है। तो ये एक चेक भी हो गया है, ये एक तरीका भी अगर आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैंज को सीधा सीधा फिक्स करने के लिए। तो ये एक 2 पॉइंट चेक हो गया, ठीक है ना। तो फ्लैंज को मैं अब जो है कि एडिशनल टैक्स मार लेता हूँ। तो 8 जगह पे मैंने इसको टैक मार लिया है। अब पाइप को जो है कि हम घुमा लेते हैं। तो दोस्तों पाइप को घुमाने के बाद अभी हमें क्या करना है कि जो फ्लैंज हमने फिक्स कर रखी है उसके आमने सामने वाले होल हम जो है कि डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं फ्लोर से, ठीक है ना। तो दोनों को जो है कि सेम डिस्टेंस पे ले आना है, सेम हाइट पे। तो हमारी जो फ्लैंज है वो सीधी हो गई। अभी जो दूसरा एंड हमारा, जहाँ पे हमको अभी फ्लैंज हमने नहीं फिक्स की है, वहाँ पे भी हमको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे कि ये हमारी फ्लैंज लूज़ है, तो इसको हम लोग इजीली इसको घुमा सकते हैं, तो इसको एक लेवल पे ला सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो गया कि इसको दोनों होल को आमने सामने वालों को लेवल पे ले आएंगे,
और लेवल पे आने के बाद इसको हमको क्या करना है कि एक टैक मार देना है सेंटर में, ठीक है ना। और टैक जो है कि थोड़ा स्ट्रांग मारें ताकि आपको जब एडजस्ट करना है तो आपको वो टैक टूटे ना। तो इतना स्ट्रांग आपका टैक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मारेंगे तब भी आपको दिक्कत आएगी बाद में एडजस्ट करने में। तो इसके बाद में ट्राई स्केयर को यूज़ करके फ्लैंज को जो है कि मैंने सीधा कर लिया है, तो इसको मैं अभी टैक मार दूंगा। तो क्या हो गया कि हमारी जो दोनों फ्लैंजेस हैं वो सीधी लाइन में भी आ गई। और उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था, डबल चेक करने के लिए आप ट्राई स्केयर को फ्लैंज के बेस पे फिक्स कर लें, और दो पॉइंट पे अगर आप मेजर कर रहे हैं और आपको मेजरमेंट अगर सेम मिल रही है तो आपकी फ्लैंज जो है कि वो सीधी फिक्स हुई है। तो दोस्तों ये था बहुत ही सिंपल और सीधा तरीका, बिना पुराने पाइप को यूज़ किए हुए हम लोग नया पाइप कैसे बना रहे हैं, मतलब बिना टेम्पलेट के, ठीक है ना। तो ये दोनों फ्लैंजेस अभी जो है कि लाइन में हैं, हमको पाइप फिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों दूसरा एग्जांपल आपके सामने मैंने ये रखा है, अभी ये पाइप जो है कि फ्लोर के ऊपर है, तो फ्लोर हमारा सीधा है, ठीक है ना। तो हमको पता है मैंने यहाँ पे ट्राई स्केयर रखा है, अगर फ्लैंज सीधी है तो आप देखेंगे कि ट्राई स्केयर के बिल्कुल लाइन में आएंगे दोनों होल, ठीक है ना। अगर आपके फ्लैंज के होल लाइन में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी फ्लैंज जो है कि टेढ़ी है। अगर आप ये प्रोसीजर दोनों एंड पे फॉलो करेंगे तो सीधा सीधा आपका जो है कि फ्लैंजेस एक दूसरे के लाइन में आ जाएगा और आपको पाइप जगह पे लेके आने के बाद दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ और कोई नई नॉलेज की चीज़ों के साथ में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ नई नई वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए अलविदा, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर एंड सेफ सेलिंग।